हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है फोकस। ये फोकस क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। आप एक कॉन्केव मिरर लीजिए, उसको सन की तरफ पॉइंट कीजिए और जो सन की रे वहां से आ रही है, ठीक है, उसको आप रिफ्लेक्ट करवाइए एक पेपर के ऊपर। पेपर को कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि वहां पर आपको क्या दिखे, एक ब्राइट स्पॉट दिखे। कहां पर? पेपर के ऊपर। तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में वो पेपर जो है वहां से क्या हो जाएगा, बर्न होने लग जाएगा। ये पहले थोड़ा सा धुआं निकलेगा और उसके बाद ही क्या होगा, पेपर आपका जल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम नॉर्मली अगर सन के सामने पेपर को रखें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम किसी एक पॉइंट पर उस सारी की सारी लाइट को क्या करवाते हैं, हम फोकस करवाते हैं, तो वो पेपर क्या होता है, आपका बर्न हो जाता है। तो ये फोकस क्या होता है, किसी भी मिरर का जो फोकस है ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सेकेंड पार्ट में हमने देखा था स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी मिरर का जो अपर्चर है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। ये जो मिरर है आपका किसी स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस आर। और जो लाइन पोल और सेंटर को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ हम लोग फोकस की बात करें, तो देखिए यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी डैश वाली लाइन। तो ये सेंटर से एक लाइन है जो वहां पर जा रही है इस मिरर के ऊपर, और हमको पता है कि किसी भी स्फेयर के अंदर सेंटर से जो लाइन किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते थे, रेडियस बोलते थे। बट यहां पर ये जो लाइन होती है, रेडियस जो होती है स्फेयर के अंदर, वो हमेशा क्या होती है, सरफेस से 90 डिग्री पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन यहां से पास हो रही है सी से, ये क्या है, इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, नॉर्मल। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये क्या आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों किसके बीच मेजर किया जाता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मतलब कि बहुत दूर से अगर लाइट रेज आती है तो जनरली क्या होती है आपकी, पैरेलल। तो जब भी कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये हमने एक लाइट रे ली है जो क्या हो रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो पैरेलल लाइट है इससे। अब देखिए, इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है सेम एंगल से ये क्या होने वाली है आपकी, रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट रे क्या हो गई, इस तरह से पास हो गई, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है इसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट क्या होगा आपका, फोकस। एक और रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एक रे ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, इस पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ठीक है। और अगर आप एन नंबर ऑफ रेज लेते हो तो सारी की सारी रे क्या होने वाली है, मिरर के किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलने वाली है। अगर ये रेज आपस में पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो सारी की सारी रे कहां पर मिलने वाली है, स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलेगी, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ये जो आपका पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो पॉइंट एट विच बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब क्या होता है, रे का मतलब होता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रे को एक सिंगल लाइट रे का पाथ, ठीक है, सिंगल लाइट का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रे। और जब एक से ज्यादा आपके पास रेज हो, जैसे कि यहां पर 1, 2, 3, 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या बोल रहा है, पॉइंट एट विच बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगी, तो जिस पॉइंट पर ये मिलने वाली है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, फोकस, ठीक है। तो क्लियर है इतना फोकस। अब यहां पर एक और टर्म है हमारे पास, फोकल लेंथ। तो देखो, फोकस आपका ये पॉइंट है, फोकल लेंथ क्या होगी, पोल से लेकर फोकस के बीच की डिस्टेंस। ये जो आपका पोल है यहां से लेकर इस फोकस की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलने वाले हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक रिलेशन होता है इस आर और इस एफ के अंदर, ये जो आर होता है ना आपका, ये डबल होता है फोकल लेंथ का। आर इज इक्वल टू कितना होता है, 2f, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू कितना होगा, r/2। मतलब कि किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर लेट्स से 40 सेंटीमीटर है, तो उसका जो फोकस होगा वो कहां पर होगा, 20 सेंटीमीटर पे। मतलब कि हमको रेस पास करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमको उसका रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसकी फोकस की लोकेशन क्या होने वाली है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर जितनी भी लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल आ रही है, सारी सारी किस पॉइंट पर मिलने वाली है, आपकी फोकस के ऊपर मिलने वाली। तो ये तो हम लोगों ने देखा कॉन्केव के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम चीज हम लोग करते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, ये रहा आपका मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो देखिए ये सेंटर इसका अंदर होता है, हमने पढ़ा था।
अब जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये रे आई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाने वाली, इस तरह से, ठीक है। एक और रे ले लेते हैं यहाँ पर, ये आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाने वाली है, इस तरह से। देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी भी नहीं मिलेगी, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर कभी भी नहीं मिल रही है तो इसकी जो इमेज है वो रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं ये, तो मुझे किसी एक पॉइंट पर ये इमेज क्या होगी, बनती हुई दिखाई देगी। तो जिस पॉइंट पर ये इमेज बनती हुई दिखाई देगी उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर या तो एक्चुअल में रेस आकर मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर अपियर टू मीट है। कंडीशन क्या है कि आपकी जो रेज है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स, देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए तो दो सिंपल से रूल हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के लिए। ये दो रूल से आप किसी भी तरह की इमेज को किसी भी मिरर से आप फॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहला जो रूल हमारे पास है यहाँ पर वो क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे पासेस फ्रॉम फोकस। मतलब कि कोई भी रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एक रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, यहां मैंने इसका फोकस और सेंटर ड्रॉ कर रखा है। अभी लास्ट टाइम हमने देखा है कि आपका जो फोकस होता है वो क्या होता है, आर बाय टू डिस्टेंस के ऊपर होता है। तो मैंने क्या करा है, यहां पर जितना ये रेडियस लिया है उसके हाफ मिड पॉइंट मैंने क्या रख दिया, फोकस। तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली है वो कहां से पास होने वाली है, फोकस से। तो पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। इसी का उल्टा भी करेक्ट है। उल्टा का मतलब क्या है कि अगर कोई रे फोकस से मान लीजिए पास होकर मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो इसका रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मिरर के ऊपर आई है। तो जो भी रे फोकस से पास होकर मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। इसका उल्टा भी करेक्ट है, मतलब कि कोई रे अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होने वाली है, वो प्रिंसिपल सॉरी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए क्या चीज है आपकी, वैलिड है। सेकेंड रूल जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम सी, सी मीन्स यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो वो क्या होता है आपका, नॉर्मल। और जो भी रे नॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर आकर गिरती है वो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरे पास मिरर है, इसका नॉर्मल है, तो कोई भी अगर नॉर्मल पर आकर गिर रही है मतलब कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, जीरो। एंगल हम किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो कोई भी अगर नॉर्मल पे ही आ रही है तो एंगल कितना हुआ, जीरो। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, जीरो एंगल से रिटर्न बैक होगी सेम डायरेक्शन। तो जब भी कोई रे सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेगी, ये इसका सेंटर है ये, ठीक है, तो ये जो रे ये क्या होगी, सेम डायरेक्शन में रिटर्न बैक होगी। यहां तो सेंटर से पास हो नहीं सकती वो, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे की तरफ पॉलिश है सेंटर मिरर के पीछे। तो यहां पर क्या होगा, अगर कोई रे इस डायरेक्शन में आ रही, सेंटर वाली लाइन की डायरेक्शन में आ रही, तो रिटर्न होने के बाद क्या होगी, सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसे ही आप यहां से देख सकते हो कि अगर कोई रे मान लीजिए सेंटर है, कोई रे अगर इस सेंटर से पास हो रही है तो जब ये इस मिरर सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद ये रे क्या होगी, आपकी सेम डायरेक्शन में रिटर्न बैक होगी। तो पहला रूल क्या, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी फोकस से पास होगी एंड वाइस वर्सा। सेकंड रूल क्या बोलता है कि जो भी रे आपका सेंटर से आएगी वो सेम डायरेक्शन में क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रूल आपका क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको कोई रूल समझ नहीं आता, आप नॉर्मल बनाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाइए, आपका इमेज फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर के अलग अलग केसेस के लिए। चलो बच्चों, तो हम पहला केस देखते हैं इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर में। तो फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इनफाइनाइट अनंत दूरी के ऊपर है, तो इन्फिनिटी से जब रेज आती है तो कैसी आती है, आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रेस इन्फिनिटी से आएगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए यहां पर एक रे हमने ये ली, क्योंकि ये रे ली जो कि आकर इससे टकराई, तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होने वाली, फोकस से। सेकंड रे हमने यहां पर ली ये वाली, तो देखिए सेकंड रे जो हमने ली तो ये भी क्या थी, आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये रे भी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर मीट करी, फोकस पर।
तो जब भी दो या दो से ज्यादा रेस किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन। यहां पर देखिए आपकी क्या बनने वाली है, इमेज। ठीक है, तो ये केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले भी हमने डिटेल में देखा। हम देखते हैं यहां पर कुछ पॉइंट। पहला तो लोकेशन ऑफ इमेज, देखिए इमेज का लोकेशन कहां पर, इमेज कहां पर बन रही, फोकस के ऊपर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होगा, इंफिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ऑलवेज एट फोकस। ठीक है, सेकंड चीज साइज ऑफ इमेज। देखिए इमेज या ऑब्जेक्ट दोनों की जो साइज होती है, इमेज की जो साइज होती है वो हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, ऊपर या नीचे। अगर कोई इमेज नीचे बन रही, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इमेज बन रही है ये साइज की, तो ये क्या होगा आपका साइज ऑफ इमेज। तो यहां पर जो साइज है आपका इमेज का वो क्या, बिल्कुल जीरो साइज है। जीरो साइज इमेज को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बहुत ज्यादा स्मॉल डिमिनिश इमेज आपकी बनने वाली, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। अब नेचर की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है दो टाइप की इमेजेस होती है, एक होते हैं आपका रियल और सेकेंड होता है वर्चुअल। तो रियल का मतलब क्या, जब दो रेस एक्चुअल में मिले। तो यहां पर देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेस क्या हो रही है, एक्चुअल में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, इसका मतलब इमेज क्या होगी आपकी रियल। और रियल इमेज हमेशा यहां पर क्या होगी आपकी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। यहां तो पॉइंट साइज इमेज बन रही तो हमें इतना पता नहीं चल रहा, बट नेक्स्ट वाले केस में हम इसको देखने वाले। आपके लिए यहां पर एक टास्क में दे रहा हूं आपको, कि हमारे घर में जो आपका डीटीएच कनेक्शन होता है, उसकी जो छतरी होती है, जिसको हम छतरी बोलते हैं, उसका जो शेप है वो कैसा होता है, आपका कॉनकेव शेप होता है, और उसमें बाहर की तरफ आगे की तरफ क्या लगा रहता है, ये ऐसा एक पॉइंट ज्यादा है, और आगे की तरफ यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका रिसीवर। तो आपको ये सर्च करना है कि उसका शेप ऐसे ही क्यों, और रिसीवर को किस पॉइंट के ऊपर वहां पर लगाते हैं। चलिए तो सेकंड वाला केस हम लोग देखते हैं आगे। चलिए तो सेकंड केस में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, बियॉन्ड सी, सी के हमने बाद में रखा है, मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस चाहिए। तो एक रे मैंने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो गई, फोकस से। नाउ सेकंड रे की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड रे मैं ले लेता हूं लेट्स से सेंटर से। तो देखिए सेंटर से एक रे गई, हमको पता है कि सेंटर से जो रे जाएगी, ठीक है, वो मिरर पर टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, इट रिवर्ट्स बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। तो ये जो रे है वो रिवर्स होगी सेम डायरेक्शन में। अब यहां पर देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये रही और सेकंड रिफ्लेक्टेड ये रही, तो दोनों कहां पर मिल रहे, दोनों मिल रहे हैं यहां पर। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, इधर। ठीक है, इसको हम ए डैश बी डैश बोल देते हैं। तो इमेज आपका कहां बन रहा है, लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो गया यहां पर आपका, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर दोनों के बीच में आपकी क्या बन रही, इमेज बन रही। तो पहली इमेज आपकी कहां बन रही थी, जब इंफिनिटी पे था फोकस पे, अभी कहां बन रही, फोकस और सेंटर के बीच में। साइज क्या है, देखिए ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं ओ से रिप्रेजेंट करूं और इमेज को अगर हम आई से रिप्रेजेंट करें, तो आप देखिए साइज जो है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज क्या है यहाँ पर, छोटा है। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा आपका वो क्या होगा, बड़ा, तो इमेज का साइज क्या है यहाँ पर, स्मॉल। तो एक छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश इमेज यहाँ पर बनने वाली। नेचर की अगर हम बात करें तो अगेन सेम चीज, दोनों रेस एक्चुअल में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही, रियल। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, कि रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। यहां से आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा है और यहां पर क्या बन रही है, इसकी उल्टी इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका ये है तो यहां पर इमेज कैसी बन रही है, इस तरह से, तो रियल होगी और यहां पर क्या होगी आपकी, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करते हो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि है आपका सेंटर एंड फोकस। आप पोल से जितनी दूरी पर सेंटर को बना रहे, उससे हाफ डिस्टेंस के ऊपर आप इसको बना दीजिए फोकस को। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, फोकस। फोकस मतलब मिड पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। तो जब आप प्रॉपर रूल्स का यूज करोगे तो आपका इमेज हमेशा क्या होगा, परफेक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड केस देखने वाले हैं। देखिए तीसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहां पर रख रहे हैं, सेंटर के ऊपर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कैसे बनेगी, चलिए बनाते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सबसे सिंपल पहली चीज, रे ले लो किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल तो कहां से जाने वाली है, फोकस से। ये कर दी भाई, फोकस से निकाल दिया इस रे को। अब सेकंड रे कहां से, सेंटर पे तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सेकंड रे ले लेते हैं कहां से, फोकस से। तो हमको पता है कि इसका उल्टा भी क्या होता है, जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास होती है, और अगर कोई रे फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आप देखोगे कि आपका जो इमेज है वो यहाँ कहीं पर बनने वाली है। अभी जो इमेज बन रही है इसकी लोकेशन क्या होगी, ये थोड़ा सा अपना जो डिस्टेंस है शायद कम ज्यादा हो गया, इस वजह से आपका जो लोकेशन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका इमेज बनेगा ये कहां पर बनेगा,
फोकस के ऊपर, ए डैश बी डैश हम इसको नाम देते हैं। आप कॉपी में बनाइएगा इसको इक्वल डिस्टेंस पर लेकर, मतलब यहां से यहां की जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इसको लेकर और ड्रॉ कीजिएगा आपका एग्जैक्टली कहां पर बनेगा, सेंटर के ऊपर। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन कहां पर आएगा, एट सेंटर। साइज की अगर हम बात करें तो देखिए साइज जो होगी ना दोनों केसेस में क्या होगी, सेम। जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का था वही साइज किसका होगा, इमेज का। मतलब कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, सेंटर के ऊपर, तो उसकी इमेज कहां पर बनने वाली है आपकी, सेंटर पे। और साइज क्या होगा, जो साइज ऑब्जेक्ट का था सेम साइज की इमेज बनने वाली है। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका जो इमेज है वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। रेस क्या एक्चुअल में मिल रही है, हाँ मिल रही है। तो यहां पर इमेज कैसी बनने वाली है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम लोग केस देखने वाले हैं, फोर्थ केस, उसके अंदर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके कहां पर लेके आने वाले हैं, फोकस और सेंटर के बीच में। तो वीडियो को एक मिनट के लिए आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है। चलिए तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है यहाँ पर एफ और सी के बीच में। एक रह गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई, ठीक है। सेकेंड रे कहां से ले, सेकेंड रे ले लेते हैं हम लोग फोकस से। तो जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर कहीं पर आपकी क्या बनने वाली, इमेज बनने वाली। तो अब देखिए जो आपका इमेज का लोकेशन है वो कहां पर आ रहा है, आपका बियॉन्ड सी, ठीक है। ये हमारा सेंटर था और सेंटर भी क्या हो रहा है, बाद में बनती। तो आपका जो लोकेशन ऑफ इमेज है वो क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। साइज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहां से क्लियरली कि यह आपका ऑब्जेक्ट था या आपकी इमेज है। तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, यहां पर बड़ा है। तो ये जो आपका इमेज है यहां पर उसका साइज क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसी इमेज बन रही है यहां पर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज बनेगी और कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड। देखिए दोस्तों अभी तक हमने जो चार केसेस डिस्कस किए उसमें आपने देखा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी पे था इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। जैसे जैसे हम उसको आगे लेकर आए इमेज किधर शिफ्ट होती जा रही, पीछे की तरफ, ठीक है। तो अभी के केस में हमारी जो इमेज है वो कहां पर आ गई, आपकी सेंटर पे। तो नेक्स्ट हमको यहां पर देखना है कि जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, फोकस के ऊपर रखें, तो इमेज कहां पर बनने वाली। चलिए तो ये ऑब्जेक्ट जो था हमारा इसको उठाकर हमने कहां पर रख दिया, फोकस के ऊपर। चले तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन यहां पर। सबसे पहला रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहां से पास होगी, बोलो फटाफट, फोकस से होगी कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये बना दिया हमने यहाँ पे फोकस से। सेकेंड रे कहां से ले, सेकेंड रे के लिए आप या तो आप एक रे ले लीजिए कहां से, पोल से, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दीजिए, या सेकेंड रे आप ऐसी ले लीजिए जो कहां से जा रही हो, सेंटर से। तो मैं यहां पर ले रहा हूं पोल से, देखिए ये रे गई आपकी पोल पे, जितना एंगल ये यहां पर बना रही थी सेम एंगल के ऊपर आप क्या करो, यहां पर एक रे ड्रॉ करो। तो ये यहां पर आपको क्या मिलेगी, एक रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पहली रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट अगर सेपरेशन है इसका मतलब दोनों रेस क्या है, आपकी पैरेलल है, और पैरेलल रेस कहीं भी नहीं मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि पैरेलल रे कहां पर मिलने वाली है, इनफाइनाइट के ऊपर मिलने वाली है। तो आपका जो लोकेशन ऑफ इमेज है वो कहां पर होगा, एट इन्फिनिटी। ये कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट अनंत दूरी के ऊपर बनेगी, हमको इमेज दिखाई नहीं देगी। इमेज कैसी बनने वाली है आपकी, मैग्निफाइड, क्योंकि जब आप इसको पीछे की तरफ लेकर जा रहे हो देखो तो कितना, बहुत इन्फिनिटी मतलब बहुत नीचे जाकर ये मिलेगी। तो डिस्टेंस आपका जो साइज होगी वो क्या होगी, हाईली मैग्निफाइड। और नेचर कैसा होगा आपका इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज यहां पर क्या होने वाली है, बनने वाली। एक लास्ट केस हम लोग देखते हैं कि जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। चलो तो ये हम लोगों ने देखिए ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां पर रख दिया है, पोल और फोकस के बीच में। अब देखते हैं यहां पर कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर ये जो है एक रे गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होने वाली है, ये फोकस से, तो ये गई आपकी फोकस से। सेकेंड रे ले लेता हूं अगेन में कहां से, पोल से, ये रही सेकेंड रे पोल से। देखिए जितना एंगल यहां पर ये बना रही है सेम एंगल पे आप क्या करो, एक दूसरी रे को ड्रॉ करो ये। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, और अगर आप ऊपर की तरफ जाओ तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, कम। अगर मैं इसको यहां से देखता हूं तो मुझे क्या लगेगा, मुझे ये लगेगा कि ये जो रे है वो इधर कहीं से आ रही है, ये इन दोनों को मैं क्या करूं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं।
मुझे क्या लगेगा कि ये रे जो है इधर कहीं से आ रही है, और जहां पर ये वर्चुअली मिलती हुई मुझे दिखाई देगी वहां पर मेरी क्या बनने वाली इमेज। तो देखिए इमेज यहां पर क्या बन रही है आपकी, ये इस तरफ आपकी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली। तो लोकेशन ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो कहां पर बन रही है, ये मेरा मिरर, मिरर के पीछे की तरफ इमेज बन रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ क्या बनने वाली आपकी इमेज बनने वाली। साइज बता दो फटाफट, साइज क्या होगा इसका, मैग्निफाइड, एम जो होगा आपका वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन, एम फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, हम देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, बट यहाँ पर जो आपका साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, मच मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा साइज जो आपका वो बड़ा होगा। अच्छा इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर देखिए इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है आपकी, क्या एक्चुअल में रेस मिल रही है क्या, नहीं, एक्चुअल में तो सेपरेशन बढ़ रहा है, कभी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो रेज है वो कैसी मिल रही है, वर्चुअली मिल रही है। तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल, और इमेज देखिए सीधी बन रही है या उल्टी, सीधी इमेज है तो यहाँ पर क्या होगी, इरेक्ट। तो ये टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 केसेस है, इससे ज्यादा कोई केस नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि हम पोल पे तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं, डेफिनेटली सेंटर पे तो ले जाके रख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस थे, जिसमें से हमने देखा कि पहले जो 5 केसेस है उसके अंदर इमेज कैसी बनती है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो लास्ट वाला केस है जब हमने क्या करा है, यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर पे और सेम साइज की। जैसे ही हम सेंटर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आपका जो इमेज है उसका साइज क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट की साइज था उससे बड़ी क्या होगी आपकी इमेज बनने वाली। तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, आपको बड़ी साइज की इमेज बनाकर देता है, बड़ी साइज की इमेज बनाकर देता है। तो जहां पर भी हमको एनलार्ज्ड इमेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का। ठीक है, जैसा कि डेंटिस्ट वगैरह के अगर आप जाते होंगे तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा एक रॉड होती है जहां पर आगे एक मिरर लगा होता है, तो उसको वो मुंह में डालते हैं, तो वो जो मिरर होता है आपका वो कौन सा होता है, आपका कॉन्केव मिरर होता है। वो क्या करता है, इमेज को बड़ी करके प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो कॉन्केव शेप है वो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है वहां पर क्या होता है आपका, कॉन्केव शेप बनाते हैं। कारण कॉन्केव जो होता है आपने देखा होगा कि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट, मतलब कि कोई भी एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर शिफ्ट हो रही है, बीच में फोकस की तरफ। ठीक है, तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट, कन्वर्जिंग मिरर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह की क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। अभी आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर छोटा सा, आपको पता करना है कहाँ कहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर केस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। वहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस रहेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो 2 केसेस है, पहला जो है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। देखिए ऑब्जेक्ट जब भी आपका इन्फिनिटी पर होगा तो आपकी जो रेज है वो क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, ऊपर की तरफ चलेगी। एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर नीचे चलेगी। तो ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों कहीं एक्चुअल में मिलेगी क्या, नहीं। तो अगर मैं इन दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो मुझे ये एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी। कहां पर मिलेगी ये, फोकस पे, क्यों, क्योंकि जो भी रे पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर दिखती है, उसकी इमेज हमें फोकस पे। तो यहां पर क्या बन रहा है आपका, फोकस के ऊपर इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में रेस कभी भी नहीं मिल रही है। तो यहां पर इमेज कैसी बनने वाली, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कारण क्या है, यहां पर देखिए रे को डाइवर्ज कर रहा है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा था, रे ऐसी आ रही उसके बाद कन्वर्ज हो रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी, यहां पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये मेरे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या करा, मिरर के सामने रखा। एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, यहां पर ये अवे चले गई ऊपर की तरफ, एक्सटेंड करने पर कहां मिल रही है, फोकस में। सेकेंड रे ली मैंने पोल के ऊपर, तो जो रे पोल के ऊपर आएगी वो क्या हो गई, रिटर्न इस डायरेक्शन में चले गई, सेम एंगल बनाकर। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब एक ही रिफ्लेक्टेड रे, एक ही, क्या दोनों एक्चुअल में मिलेगी, नहीं। तो अब मैं अगर इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो हमको एक ही पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर क्या बनेगी, इमेज। इमेज कहां बन रही है, पोल और फोकस के बिल्कुल बीच में। साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हो कि साइज जो है वो क्या, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। और कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने देखा दोनों के दोनों केसेस में हमारी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म हो रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज है वो क्या है, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी हमेशा क्या बनने वाली है, यहां पर इमेज।
अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज चाहिए, बड़ी इमेज बनाना है, तो हम कौन से मिरर का यूज करने वाले हैं? कॉनकेव का। और अगर एक छोटी इमेज चाहिए तो हम किसका यूज करने वाले हैं? कॉन्वेक्स का। देखिए, एक बड़ा सा अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके अगर आप एक छोटी इमेज बनाते हो तो कम स्पेस में आपको ज्यादा चीजें दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमारी जो कार कार का जो साइड ग्लास होता है आपका, उसमें आप देखिए कौन सा मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि पीछे का एक वाइड व्यू हमको देखना है, तो वो जो मिरर होता है उसके अंदर हमको क्या दिखाई देती है? उसकी एक छोटी इमेज बनती हुई दिखाई देती है, तो कॉन्वेक्स मिरर का वहां पर एक यूज होता है। इसके अलावा ये भी आपका होमवर्क है, आपको पता करना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर, इनका कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। एक काम और आप यहाँ पर कीजिएगा कि जो भी हमने केसेस डिस्कस की है, इसको आप एक टेबल के फॉर्म में बनाकर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक रखना है आपको कि आपका जो एफ का लोकेशन है, एफ को आपको कहाँ रखना है? मिड पॉइंट पर रखना है पी और एफ के। आर जो है वो कितना होगा? हमेशा 2F के बराबर होगा। इसको बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए, 10th वाले इस पेज भी इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है। हालांकि मैं करवाऊंगा इस सीरीज में, बट वो 12th वालों के लिए रहेगा स्पेशली। तो आप इसको ध्यान रखिए कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी जो लेंथ है वो डबल होती है फोकल लेंथ से। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि सेंटर और पोल के बीच में रखना है कि इसको फोकस को, और जो बेसिक रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के, उसको फॉलो करके आपको यहां पर क्या करना है? एक इमेज कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए, तो अभी के लिए ऑल ऑल द बेस्ट, इसको पढ़िए आप ध्यान से, एंड चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।